हेलो दोस्तों, मैं मनोज गुप्ता और आपका हमारी ट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप खेत से संबंधित विवाद अगर आपके पास है तो आप उसकी शिकायत कैसे करेंगे, वो भी आप घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं जनसुनवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटी भू माफिया पोर्टल की बात करने वाला हूँ और उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहना, तभी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आपको शिकायत करना है तो कौन कौन से यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे आप अंत तक बने रहना और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए कमाल की वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास वीडियो जरूर से शेयर कर देना। तो दोस्तों, बिना बकवास करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एंटी भू माफिया पोर्टल भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भू माफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्राप्त होती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर अगर भूमि से संबंधित शिकायतें अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। इस पोर्टल में आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है शिकायत पंजीकरण, दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है शिकायत की स्थिति, और तीसरा आपको मिल जाता है अनुस्मारक भेजे, चौथा आपको मिल जाता है आपकी प्रतिक्रिया। तो इस पोर्टल में दो ऑप्शन बहुत काम के हैं, जैसे कि आपका एक हो गया शिकायत पंजीकरण का, दूसरा हो गया शिकायत की स्थिति का। तो अगर आपको मान के चलिए यहाँ पर शिकायत करना है, आपको शिकायत पंजीकरण के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप इस पोर्टल में देख लीजिए, जन सुनवाई जैसा ही आपको सारा मेंटेनेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जन सुनवाई की शिकायतें जो होती हैं वो अलग होती हैं, और यहाँ पर जो भू माफिया पोर्टल है इसमें बहुत ही जल्द कार्रवाई होती है। शिकायत करने के लिए आपको मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में ये जो कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है, आपको कैप्चा टाइप कर देना है। कैप्चा सेम आपको टाइप कर देना है, उसके बाद ओटीपी भेजे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाती है, जो ओटीपी आपको टाइप कर देना है। जन सुनवाई में कोई टाइम नहीं होता है ओटीपी का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्यूरेशन चालू हो जाता है कि इतने टाइम तक आपको ओटीपी टाइप करना है, उसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फाइनली सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले अतिक्रमणकर्ता प्रतिपक्षी भू माफिया का नाम, यानी कि जिन्होंने आपकी भूमि पर या जमीन पर कब्जा कर रखा है उनका नाम आपको टाइप कर देना है, और भू माफिया का पता आपको टाइप कर देना है। अगर एक से अधिक हैं तो उसके बाद में आपको जोड़े के ऊपर क्लिक कर देना है, और दोबारा से आपको नाम और भू माफिया का पता आपको टाइप कर देना है और जोड़े के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में शिकायत क्षेत्र की जानकारी, आप अगर ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण आपको सेलेक्ट करना है, या नगरी है तो नगरी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद भूमि का प्रकार, आबादी है तो आबादी आपको सेलेक्ट करना है, या कृषिक है तो कृषिक आपको सेलेक्ट करना है। अतिक्रमित भूमि का प्रकार आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और ग्राम पंचायत में आती है या शासकीय में आती है या निजी में आती है आपको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। भूमि का प्रकार चुने यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर चकबंदी से संबंधित है या सर्वेक्षण से संबंधित है तो आपको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट पहले से सेलेक्ट रहेगा, और जनपद पर आपको क्लिक करना है, और आपका जो भी जनपद हो आपको अपने अनुसार यहाँ पर आपको अपना जनपद जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको तहसील के ऊपर क्लिक करना है, और आपकी जो भी तहसील लगती है वो आपको तहसील यहाँ से क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में विकास खंड के ऊपर आपको क्लिक करना है, और आपका जो भी विकास लगता हो आपको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का ऑप्शन आ जाता है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर सकते हैं या इसे खाली भी छोड़ सकते हैं।
और यहाँ पर राजस्व ग्राम आपको सेलेक्ट कर लेना है आपको अपने अनुसार, और यहाँ पर आपको थाना सेलेक्ट कर लेना। अगर थाना चाहते हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर विषय श्रेणी आपको क्लिक करना है, और आपको जिस संबंध में मतलब शिकायत करनी हो, यानी कि जो भी विषय हो, जैसे कि आपका जो है शासकीय सार्वजनिक उपक्रम की भूमि पर कब्जे संबंधी है, तो आपको जो है अपने अनुसार यहाँ पर विषय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल, तो आपको यहाँ पर आपकी जिस भूमि पर जो विवादित भूमि है उसका यहाँ पर आपको रकबा टाइप कर देना है, और यहाँ पर इकाई के ऊपर क्लिक करना है। अगर वर्ग गज में हो या मीटर में हो या हेक्टेयर में हो या वर्ग फीट में हो या एकड़ में हो, आपको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदनकर्ता का नाम टाइप कर देना है, और यहाँ पर पिता का नाम टाइप कर देना है, और यहाँ से आपको पुरुष या महिला सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर एक अगर आपके पास और कोई भी मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आपको टाइप कर देना है। अगर मेल आईडी है तो आप टाइप कर सकते हैं, वरना इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर आधार संख्या आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको उपरोक्त के बटन पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद में आवेदन का विवरण, यानी कि जैसे आप शिकायत यहाँ पर करना चाहते हैं, अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र बना के रखा है तो आपको यहाँ पर उसकी विषय टाइप कर देना है, और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके वो प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यदि चाहें तो यहाँ पर अतिक्रमित ग्रस्त भूमि स्थल का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई शिकायत कर रखी है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और यहाँ पर आपको शिकायत संख्या डाल देना है, और यहाँ पर उसके बाद में आपको टिक कर देना है, और संदर्भ सुरक्षित के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है एक रिसिप्ट आपको मिल जाती है, उसे आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं या कस्टमर को भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस पोर्टल पर बहुत ही जल्द आपके प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर इस पोर्टल के ऊपर वीडियो बना दिया है। और अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, और सारे दोस्तों के पास अपनी वीडियो शेयर कर देना। और अगर आपको इस संबंध में कुछ भी पूछना हो आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।